नमः। घर में पढ़ोगे तो सवाब कम है, तो मस्जिद में जाके पढ़ोगे तो सवाब ज्यादा है। वो मेरे भाई अल्लाह के मेरे घर में जो है वही मस्जिद में भी वही अल्लाह और नमाज उसी की है, ये सवाब कैसे घट गया बढ़ गया। जो फजीर में अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ वो अल्लाह घर में है, मेरे घर का अल्लाह वही है, मस्जिद में भी वही अल्लाह है और नमाज वही फजर है, कोई डिफरेंस हुआ नहीं तो सवाब कम ज्यादा कैसे हो गया। बोले साहब, बोले तू बारीकी में जाता नहीं, जीप में जाता नहीं, ऊपर ही ऊपर तैरता है, झूठे वादे करता है। जरूरत पूरब में थी, फैला दिया पूरे भारत में, उल्टा सीधा काहे को करता है। देख जब तू घर में पढ़ेगा ना तो परिवार के साथ पढ़ेगा, घर में परिवार भी है, घर में बेटी बेटा भी है, घर में बीवी बच्चा है, घर में प्रॉपर्टी है, घर में माल पानी है, घर में टनाटन है, घर में तिजोरी है, घर में बेडरूम है, घर में इंटीरियर है, इंजॉय कर रहा है, तब पढ़ रहा है ना। लेकिन जब तू मस्जिद में जाएगा तो अपने परिवार को छोड़ेगा, बाल बच्चों को छोड़ेगा, अपना बेडरूम छोड़ेगा, अपने अपने फैमिली को छोड़ेगा, ये छोड़ने का सवाल है। क्योंकि जब तू घर में पढ़ेगा तो चेहरा तेरा घर में ही दिखाई देगा, लेकिन जब तू मस्जिद के लिए निकलेगा तो घर की तरफ पीछ हो जाएगी, रुख अल्लाह की तरफ होगा। ये जो तूने परिवार की तरफ पीठ कर लिया तो घबराओ मत, कानून बनाते रहो, हम पीठ करना जानते हैं। इसलिए मस्जिद में ज्यादा, अब गए तो वहां जमात इबादत हो रही है खुदा की, अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, कुरान बोला अकीमुस्सलात नमाज कायम करो। ये अल्लाह कैसे करूं, कैसे कायम करूं, पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ू कुरान में कहीं फर्ज किया था तो तरीका भी कुरान में बता देता है क्या? नहीं, हुक्म मैं दूंगा, तरीका मुस्तफा बताएंगे, मौका नहीं दूंगा मेरे नबी को छोड़कर मेरे पास आने की कोशिश कर। फर्ज मेरा होगा, सुन्नत मेरे हबीब की होगी। अब जाओ नमाज के लिए हम खड़े हुए तो इमाम साहब ने ऐलान किया, सफाई सीधी कर लो। कंधे से कंधा मिला लिया और पैर, ये तुम्हारा अंगूठा है, गाय वाले जो दांबा बाजू खड़ा है या यमुना बाजू खड़ा है उसका आपका अंगूठा एक लेवल पे कर लो, लाइन सीधी होगी। कंधे से कंधा मिला, इमाम ने हाथ मांगा, सबने हाथ मांगा, इमाम रुकू में है सब रुकू, इमाम सजदे में है सब सजदे। क्या दिया इस्लाम ने, बंदगी भी दे रहा है, जमात की जिंदगी भी दे रहा है, डिसिप्लिन, कांधे से कांधा मिलाकर जियो, कदम से कदम मिलाकर जियो, एक अल्लाह के आगे 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 इमाम, पीछे पीछे जमात, जमात नमाज पढ़ने में इमाम के आगे जाना मत। इमाम रुकू में है तो तू सजदे में ना चला जा, शौके इबादत में सजदे में। अभी इमाम साहब सुभान रब्बिल अजीम देर तक कहेंगे, गांव में सजदे में जाकर के अल्लाह के आगे समर्पण कर दू, नहीं कबूल होगी अगर इमाम से आगे जाओगे, नहीं कबूल होगी अगर इमाम से आगे जाओगे। क्या सिखाया नमाज में, इमाम की कदर करो, इमाम की इज्जत करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जब बंदगी में हम उससे आगे नहीं जा सकते तो जिंदगी में आगे कैसे जा सकते। इज्जत करो अपने इमाम की, एक है इमाम,
पीछे है पूरी आवाम, इमाम खड़ा है तो कौम खड़ी है, इमाम बैठ गया तो कौम बैठ गई, इमाम रब के सजदे में गया तो कौम भी गई। एक इमाम बाकी आवाम, ये इत्तेहाद, ये यकजहती, ये यूनिटी। बुत बनाने से यूनिटी नहीं बनती, दिल बनाने से यूनिटी बनती है। या रसूल अल्लाह, सुन्नी आवाज, सुन्नी आवाज।